जन जन को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बेहतर कल मिलेगा। इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। इस बजट से टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा। ये बजट उद्यम और उद्यमियों को मजबूत बनाएगा, देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएगा। ये बजट शिक्षा को बेहतर बनाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च के लाभ को लोगों के बीच पहुंचाएगा। इस बजट में आर्थिक जगत के रिफॉर्म भी हैं, आम नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग भी है और साथ ही गांव और गरीब का कल्याण भी है। ये बजट एक ग्रीन बजट है जिसमें पर्यावरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सोलर सेक्टर पर विशेष बल दिया गया है। पिछले 5 साल में देश निराशा के वातावरण को पीछे छोड़ चुका है, उस वातावरण से बाहर निकल गया है। आज देश उम्मीदों से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। बिजली, गैस, सड़क, गंदगी, भ्रष्टाचार, वीआईपी कल्चर, अनेक अनेक कठिनाइयां सामान्य मानवी को अपने हक के लिए जद्दोजहद की जिंदगी, यानी एक प्रकार से खुद से ही उसको जूझना पड़ता था, उसको कम करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए, सफलता भी मिली है। आज लोगों के जीवन में नई आकांक्षाएं और खूब सारी अपेक्षाएं हैं। ये बजट देश को विश्वास दे रहा है कि इन्हें पूरा किया जा सकता है, ये विश्वास दे रहा है कि दिशा सही है, प्रोसेस ठीक है, गति सही है और इसलिए लक्ष्य पर पहुंचना भी निश्चित है। ये बजट आशा, विश्वास और आकांक्षा का बजट है। ये बजट 21वीं सदी के भारत की अपेक्षाओं को पूरा करने और न्यू इंडिया के निर्माण में एक अहम कड़ी साबित होगा। ये बजट वर्ष 2022 यानी आजादी के 75 वर्ष से जुड़े संकल्पों को पूरा करने में देश का मार्ग निर्धारण करेगा। पिछले 5 वर्ष हमारी सरकार ने गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को सशक्त करने में, एम्पावर करने के लिए अनेकविध कदम उठाए। अब अगले 5 वर्षों में यही एम्पावरमेंट उन्हें देश के विकास का